मशीन चल गई। चलिए सिटीजनशिप में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, ये मैंने गलत लाइन बोल दी। पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, संविधान की विकास यात्रा में आज हम सिटीजनशिप पर ही चर्चा करेंगे। सिटीजनशिप पर हम आपको दो लेक्चर दे चुके, लेक्चर नंबर 68 और लेक्चर नंबर, ये तो बट ऑब्वियस बात थी, नेक्स्ट लेक्चर 69 ही होगा, और इसके बाद आज लेक्चर नंबर 70 पे जिक्र होगा। ओके, इसमें हम क्या करेंगे मेघा, हमने आपको बताया था कि सिटीजनशिप के दो तरीके हैं। एक वो सिटीजनशिप है जो 26 जनवरी 1950 तक के मामलों को डील करती है, जिसके प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, और कौन कौन से आर्टिकल थे उससे रिलेटेड, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 वो हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 9 क्या बताता था, अगर हमने किसी भी और देश की नागरिकता ले ली है तो भारतीय नागरिकता हमारी चली जाएगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। आर्टिकल 10, 10 क्या बताता था, जब तक हमारे पास सिटीजनशिप है वो कंटिन्यूअस रहेगी, जब तक पार्लियामेंट्री लॉज उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते वो सब्जेक्टेड है टू द पार्लियामेंट्री लॉ। और आर्टिकल 11 क्या बताता था, ये जो आर्टिकल 11 बताता था कि सिटीजनशिप को एक्वायर करने के और सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के प्रावधान पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए हमने आर्टिकल 5, 6, 7, 8, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बताया गया कि जिस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तब तक के लिए वो जिनको नागरिक के तौर पर आइडेंटिफाई करता है, ध्यान रखें आइडेंटिफाई करता है उनको तो उसके प्रावधानों के तहत नागरिकता मिलती है, क्लियर। लेकिन नागरिकता जाने के उसमें प्रावधान तो नहीं थे ना, नहीं थे, नागरिकता मिलने के प्रावधान थे, वो भी आइडेंटिफाई ही किया था, देने का काम तो उस समय की मशीनरी का ही था। इसी तरह से 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक या आज के आगे तक कभी भी नागरिकता कैसे एक्वायर कर सकते हैं आप, नागरिकता चाहिए ना आपको, आप भी तो जन्मे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, और अगर वो नागरिकता एक्वायर हुई है तो नेचुरली बात है हमने एक्वायर की है, तो हमने जो चीज़ एक्वायर की है जा भी सकती है, उसके आने के चले जाने के एक्विजिशन के और टर्मिनेशन के जो प्रोविजन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आर्टिकल नंबर 11 में बता दिया है कि पार्लियामेंट विल डिसाइड, और पार्लियामेंट उसको डिसाइड कैसे कर रहा है, सिटीजनशिप एक्ट बना करके 1955, और मैंने बताया इसमें अमेंडमेंट हुई है, इसमें अमेंडमेंट हुई 1986 में, इसमें अमेंडमेंट हुई 1992 में, इसमें अमेंडमेंट हुई 2003, इसमें अमेंडमेंट हुई 2005, इसमें अभी अमेंडमेंट हुई 2019, जिसके तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोविजन इनकलकेट किया गया उसमें, जिसके तहत आपको बताया ही मैंने पड़ोसी राज्यों से जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 धर्म यानी कि बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू और सिख, ये यदि ऐसा माना गया कि रिलीजियसली परसिक्यूटेड है तो इनके लिए टाइम कम कर दिया गया है सिटीजनशिप प्राप्त होने का, ये प्रावधान डाला गया है। इसमें से मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, इसी को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ये मानती है कि ये करेक्ट नहीं है, और जो दूसरे भी वर्ग हैं भारत के उनका मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये सेकुलरिज्म जैसे फैब्रिक को आघात पहुंचाता है। ये एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी है, उस पर हमारे पहले के लेक्चर आए हुए हैं। अब मुद्दा यह है कि हम सिटीजनशिप एक्ट के बाद आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसमें कई प्रोविजन हैं। किस तरह के तरीके बताए थे मैंने, कितने तरीकों के माध्यम से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, टोटल कितने वेज बताए थे, जल्दी जल्दी बोलिए, 5, कौन से 5 वेज बताए थे, नहीं एक्विजिशन में बाय डोमिसाइल नहीं था, सिटीजनशिप 5 तरीके से ली जा सकती है, 3 तरीके से टर्मिनेट होती है, टोटल 8 वेज बताए थे मैंने, लेक्चर नंबर 68 सुना था अच्छे से। सिटीजनशिप 5 तरीकों से एक्वायर करते हुए मैंने आपको समझाया, एक तरीका था बाय बर्थ, एक तरीका था बाय डिसेंट, एक तरीका था बाय रजिस्ट्रेशन, एक तरीका था बाय नेचुरलाइजेशन, एक था बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी। तो ये 5 तरीके थे जिसके माध्यम से हम नागरिकता ले सकते हैं, लेक्चर 68 अच्छे से नहीं हुआ। अगर इनको जाना है तो किन तरीके से जाएगी, 3 तरीके, पहला तरीका कौन सा था, बाय रेनन्सिएशन, दूसरा तरीका कौन सा था, बाय टर्मिनेशन, तीसरा तरीका कौन सा था, बाय डेप्रीवेशन। तो रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन के माध्यम से ये चली जाएगी, आज हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसी में टॉपिक होगा सिंगल सिटीजनशिप का, इसी में टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन चीज़ों को लेकर के आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। चलिए उसी प्रावधान में हम आगे बढ़ते हैं, सिटीजनशिप के एक्विजिशन को लेकर के पार्लियामेंट के तहत जो लॉ बनाए गए हैं इसके लिए ऑथराइज्ड बॉडी कौन होगी, हरजीत, ऑथराइज्ड बॉडी कौन होगी, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, नेचुरल सी बात है ऑथराइज्ड बॉडी विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट,
और इसके तहत ये फिर सब्जेक्ट कहाँ पर दिया गया, मैंने उस दिन भी बताया था, यूनियन लिस्ट में। तो नागरिकता कंसेप्ट यूनियन लिस्ट में दिया गया है, लॉ पार्लियामेंट बनाता है, ऑथोराइज्ड बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये तीन बातें क्लियर हैं, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ने वाले हैं, अमेंडमेंट मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन की, कि सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जा सकती है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, पहला तरीका है बाय बर्थ। इसमें कोई डोमिसाइल वाला कंसेप्ट तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन डोमिसाइल के माध्यम से भी देश में नागरिकता का एक कंसेप्ट था। वो कौन से आर्टिकल के तहत था? आर्टिकल 5 के तहत था। 26 जनवरी 1950 तक उसका काम हो गया, डन। आज हम बाय बर्थ एक्वायर करके बताएंगे आपको सिटीजनशिप। ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, कोई टेंशन तो नहीं। चलिए अब इस कंसेप्ट को समझिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। बाय बर्थ, ये तो नेचुरल सा ही एस्पेक्ट है कि जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। कब जन्म होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट होने के बाद से लेकर के अब तक या आगे भी कभी भी आपका जन्म भारत में हुआ है, इसके बेसिस पर आपको नागरिकता मिल जाती है। जब हम जन्म के आधार पर नागरिकता की बात करते हैं, तो मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि भारत बहुत तेज़ी से एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि हमारे पास एक कंसेप्ट हुआ करता था जस सोली, और हम इससे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जस सैंग्विनेसिस, SANGUINIS, क्लियर, SANGUINIS, जस सैंग्विनेस, जस सोली, ठीक है। जस सोली का कंसेप्ट क्या है? आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलना, दैट इज द जस सोली कंसेप्ट। लेकिन जस सैंग्विनेस, आपको डिसेंड के आधार पर नागरिकता मिलना, दैट इज द जस सैंग्विनेस। देखिए, जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने वाले कंसेप्ट से बड़ी तेजी से भारत डिसेंट के आधार पर नागरिकता वाले कंसेप्ट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि हम जस सोली से जस सैंग्विनिस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जस सोली के बारे में ये कहा जाता है कि ये लार्जर कंसेप्ट है, ये ज़्यादा एनलाइटनमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, कि जब आप जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता देते हैं। जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि लोग, कपल अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर बच्चा जन्म ले जाता है और वहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जन्म को, जस सोली के कंसेप्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पर देखिए, भारत में भी ऐसा हुआ करता था 30 जून 1987 तक, कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट वाले दिन, यानी कि 26 जनवरी 1950 से आगे से 30 जनवरी 1987 के बीच बीच में यदि आप भारत में जन्मे हैं, तो आपको आपके माता पिता के जन्म का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि वह भी भारत में जन्मे। अगर आप 26 जनवरी 1950, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ है, उसके इन्फोर्समेंट के बाद से लेकर के 30 जनवरी 1987 तक भारत में जन्मे हैं, मैंने बताया एक अमेंडमेंट 1986 में हुआ था, उसके तहत ये प्रावधान डाला गया, तो फिर 30 जनवरी 1987 को एक डेट बना दिया गया। देखिए, अमेंडमेंट का प्रोविजन क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर के आए, हमने इस एक्ट में भी अमेंडमेंट लेकर के आए, उस एक्ट में अमेंडमेंट ला करके कुछ त्रुटियों को दूर करने की बात हमने कही, और इन अमेंडमेंट के माध्यम से हम जस सोली से जस सैंग्विनिस की तरफ ज़्यादा गए हैं। तब तक के लिए देखिए, आपके मदर फादर कहीं के भी सिटीजन हो, मैटर ही नहीं करता, आपका जन्म भारत में हो गया ना, अब आप भारतीय नागरिक हैं। लेकिन 30 जून के बाद से क्या डेट आती है? 1 जुलाई 1987 ऑनवर्ड सिचुएशन चेंज हो गई है। 1 जुलाई 1987 सिचुएशन क्या हो गई है? चेंज। और ये क्या चेंज हो गई होगी? 1 जुलाई 1987 के बाद की सिचुएशन ये कहती है कि अगर आप भारत में जन्मे हैं, तो आपके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा होना चाहिए। आई बात समझ में? आपके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। क्लियर हुआ? किसी तरह की कोई टेंशन? इसमें फिर चीज़ें और बदली, यानी कि अब आपके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मे तो कंसेप्ट क्लियर होता है, अदरवाइज नहीं। पहले क्या हो रहा था 30 जून 1987 तक? माता पिता का कहाँ का बर्थ है ये मैटर नहीं करता, आप ही का बर्थ मैटर करता है। लेकिन 1 जुलाई 1987 से अब क्या मैटर करता है? आपका जन्म तो भारत में हुआ ही है, मदर या फादर में से भी किसी का बर्थ भारत का होना चाहिए। आई बात समझ में? यानी कि मदर या फादर में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ओके, क्लियर हुई? अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? कि हमने बाय बर्थ की बजाय हम बाय ब्लड टाइज, हम ब्लड के टाइज की तरफ
ज़्यादा जा रहे हैं, किस तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ब्लड टाइज की बजाय। अच्छा, मैंने जो कह दिया माता पिता का जन्म होना चाहिए उसको रेक्टिफाई करो, माता पिता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, जन्म नहीं, भारतीय नागरिक। जन्म तो बच्चे का हुआ ही है क्योंकि ये सिटीजनशिप बाय बर्थ है, तो प्री कंडीशन ये है कि बच्चा जन्म लेना चाहिए। 30 जून तक 1987 तक बच्चा जन्म लेता था तो हम ये पूछते थे कि आपके माता पिता की नागरिकता क्या है? नो। तो हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे पूरी तरह से? जस सोली का। लेकिन अब 1 जुलाई 1987 ऑनवर्ड बच्चा तो भारत में जन्म ले ही रहा है, ये तो प्री कंडीशन है ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन हम उस पर क्यों लगा रहे हैं कि नागरिकता आपको कब मिलेगी? यदि आपके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये बात क्लियर हो गई? इसमें फिर और बदलाव किया गया, ये चीज़ और चेंज हो गई। 2004 के अराउंड आकर के इस चीज़ में ये परिवर्तन कर दिया गया कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, ये बात करेक्ट है। लेकिन दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी उनमें से एक इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी उनमें से एक इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही वो समय था जिसके तहत 2003 की अमेंडमेंट ने ही ये प्रावधान इंड्यूस कर दिया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा, NRC। सो 2003 का ये अमेंडमेंट था जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात करता है। इतनी बात क्लियर हुई? और 2003 के इसी रजिस्टर के मुताबिक अब कहानी ये बन जाती है कि जो इल्लीगल माइग्रेंट हो रखे हैं, मान लीजिए ख़ास तौर पर बांग्लादेश के क्षेत्र से काफ़ी बड़े लेवल पर इल्लीगल माइग्रेंट मिल जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि पिता भारतीय है भी, ध्यान से समझिए, अब बच्चा तो यहाँ पर जन्म ले गया है और उसके पिता भी भारतीय ही हैं, तो दिसंबर 2004 के पहले पहले की कहानी अलग है। तब तक की कहानी में कहानी ये सेटल हो रही है कि माता अगर भारतीय है तो पिता अगर इल्लीगल माइग्रेंट भी है, पिता अगर भारतीय है तो माता अगर मान लीजिए इल्लीगल माइग्रेंट भी है, मान लीजिए, तो भी वो जो बच्चा है वो भारतीय हो जाएगा क्योंकि एक तो उसका जन्म यहाँ हुआ और माता पिता में से कोई एक भारतीय था, तो वो बच्चे की एटलीस्ट नागरिकता नहीं जाएगी। मान लीजिए अगर उसकी मदर इलीगल माइग्रेंट थी तो मदर को प्रूव करना पड़ जाएगा, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता है कि आप अपना लीगल स्टेटस प्रूव करिए, तो वो उनकी नागरिकता हो सकता चली जाए, लेकिन बच्चे की तो नहीं जाएगी ना, ध्यान से समझो। लेकिन अब 2004 के इस अमेंडमेंट के माध्यम 2003 के अमेंडमेंट के माध्यम से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आया, उसके तहत हमने ये कहा कि पूरे भारत भर में एक NRC लेवल की एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, जिसको अब BJP कह रहा है कि हम कंडक्ट कराएंगे, इस समय सरकार कह रही है हम कंडक्ट करेंगे, NRC बनेगा, उसी को लेकर के सारी डिबेट चल रही है। ऐसे में 2004 का ये बदलाव क्या कहता है कि अब ठीक है, बच्चे का जन्म भारत में, वो पहली कंडीशन बाय बर्थ सिटीजन बाय बर्थ है, दूसरी माता पिता में से कोई एक हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से बात दीजिए कि लड़के का जन्म भी हुआ या लड़की का जन्म भी हुआ भारत में, माता मान लीजिए कि भारत की हुई, पिता मान लीजिए इलीगल माइग्रेंट हुए, प्रूव हो गया कि पिता इलीगल माइग्रेंट है मान लीजिए, तो पहले सिनेरियो में क्या होता था कि माता की और बच्चे की नागरिकता रह जाएगी। लेकिन इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि माता तो नागरिक है ही हैं, वो तो रह जाएंगी, बच्चे की नागरिकता भी चली जाएगी क्योंकि पिता इलीगल माइग्रेंट थे। रिवर्स कर दीजिए, पिता भारतीय नागरिक है, माता इलीगल माइग्रेंट थी, तो बच्चे की चली जाएगी। ये हमने और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया, यानी कि हम ब्लड टाइज की और तेज़ी से बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बर्थ, जस्ट सेंग्विनिस की तरफ जा रहे हैं जस्ट सोली की बजाय, तो नैरो होती जा रही है सिटीजन का कंसेप्ट, ये बात समझिएगा। लेकिन कुछ मामलों में हम वाइडर भी हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति वो नागरिक भी बन सकता है जो प्राकृतिक नागरिक है, यानी कि जो सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन है, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी वो पर्सन नहीं बन सकता जो नेचुरलाइजेशन के वाया सिटीजन बना है, वो बाय बर्थ ही सिटीजन होना चाहिए। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाय बर्थ सिटीजन होना चाहिए, इंडियन प्रेसिडेंट सिटीजन होना चाहिए, समझ आ गई बात? ऐसी बाय बर्थ सिटीजन होने वाली कंडीशन नहीं है, नेचुरलाइज सिटीजन भी प्रेसिडेंट बन सकता है बाय बर्थ के सिचुएशन में। ये सारी सीन क्लियर? बाय बर्थ के कंसेप्ट में कोई टेंशन तो नहीं होगी? इलीगल माइग्रेंट वाला क्लॉज अब ज़्यादा घातक क्यों रखा है? क्योंकि NRC एक्टिविटी जो अब कंडक्ट की जाएगी, ध्यान से सुनिए, उसमें अगर मान लीजिए किसी भी तरह से, मान लीजिए कोई बच्चा भारत में जन्मा है, 1 जुलाई 1987 के बाद की कहानी है, 2 जुलाई को बच्चा जन्म ले गया मान लीजिए 1987 में, और उसके मान लीजिए कि पिता यहाँ के थे, माता माइग्रेट होकर के आई थी, और मान लीजिए वो इलीगल माइग्रेंट ही हैं, उसको 2004 तक के जो बच्चे थे उनको तो कोई खतरा
हाँ नहीं, आई बात समझ रही। लेकिन अब 2004 में जो परिवर्तन इंड्यूस कर दिया गया है कि माता या पिता दोनों में से अगर कोई आया है कहीं और का है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, बच्चा यकायक खतरे में पड़ गया है, बच्चा यकायक खतरे में पड़ चुका है कि अब ये सिनेरियो क्या बन रहा है मेरे साथ। आई बात समझ में, ये 2004 में हुआ परिवर्तन ही। ऐसे में बहुत से बच्चों की नागरिकता का सिस्टम अब लटका हुआ पाया जा रहा है क्योंकि कोई एक हो सकता है कि माइग्रेंट हो। बाय बर्थ का क्लियर हुआ, दूसरा बाय डिसेंट है, ये तो बाय डिसेंट ही है। तो इसमें पहले वाले से अंतर क्या, सामान्य अंतर कौन सा होगा पहले वाले से? उसमें भी मदर फादर का टाई एक पॉइंट पे जाके हमने बाय बर्थ को भी एक लेवल का बाय डिसेंट नहीं बना दिया। अमेंडमेंट इंड्यूस कर करके बाय बर्थ को भी हमने 1 जुलाई 1987 से बाय डिसेंट जैसा नहीं बना दिया। तो इसलिए अब आपको थोड़ा फर्क पता लगने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, अदरवाइज़ ये बड़ी क्लियर कट सिनेरियो होता था बाय बर्थ वाले का कि जन्म भारतीय भूमि पे हुआ है, और बाय डिसेंट वाले का केस बाकी सेम है, बस ये फ़र्क होता है कि इसका जन्म भारत की भूमि पे नहीं होता, इसका जन्म बाहर की भूमि पर होता है। इसका जन्म भारत से बाहर हो रहा है ना, इसलिए फिर इसकी नागरिकता बाय डिसेंट ही प्रमाणित होगी ना। इसका जन्म भारत के बाहर हो रहा है तभी तो ये बताएगा कि मेरे ब्लड टाइज हैं, मुझे भारतीय नागरिकता दीजिए। अगर ये यहीं पे जन्मा किलकारियां ले रहा है हॉस्पिटल में तो इसका तो नाम यहीं पे छपेगा, और फिर पूछा जाएगा कि यहीं के नागरिक, वो ऑब्वियसली मैंने यहाँ जन्म लिया तो मैं यहीं का नागरिक हूँ। मेरे मम्मी डैडी में से जो है, मेरे डैडी जो हैं वो यहाँ के नागरिक, और मम्मी जो है वो इलीगल माइग्रेंट भी नहीं है। मम्मी आई थी मेरी यहाँ वेकेशन पे, आई थी 2 महीने के लिए स्पेन से, और बातचीत हुई और बाकी सब हो गया, फिर शादी हो गई, मैं हो गया। और उस समय कहेंगे अच्छा मम्मी आई थी फिर चली गई, हाँ मम्मी आई थी छुट्टी पे आई थी निकल गई, बाद में वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हैं, और ये देखिए प्रूफ है वो लीगल माइग्रेंट थी उस समय, मैं लीगली आई हुई थी टूरिस्ट वीजे पे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मान लीजिए दूसरा ही बच्चा है, वो कह रहा है पापा तो यहीं थे और मम्मी काम करते 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 एग्रीकल्चर लैंड में घुस गई आसाम में, पता ही लगा कब बांग्लादेश से आसाम में आ गई, पिताजी की शादी हो गई उनसे, बाद मैं हो गया, और अब देखिए ये क्या हो गया। अब आप कह रहे हैं कि मम्मी जो है वो इलीगल माइग्रेंट है, पापा तो ठीक है नागरिक है, लेकिन मैं कौन हूँ फिर? तो जन्म वाले का तो केस ही नहीं है, डिसेंट वाले की बात हो रही है। डिसेंट मतलब कि तुम किसके डिसेंट हो भाई? एक कैटेगरी होती है ना, लीनियन डिसेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन, LDESM करके, वो आप लोग पढ़ते हो बड़े कि हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड सर्वेंट के बच्चे हैं, ये वही डिसेंट वाली। इसमें फिर क्या पूछेंगे कि तुम्हारा जन्म कहीं भी हुआ है, बस प्रमाणित करो कि तुम डिसेंट हो किसी के, डिसेंडेंट हम कहते हैं ना उनके, डिसेंडेंट हैं तो डिसेंट हो। आई बात समझ में? इसका जन्म हो गया विदेश में और इसको डिसेंट प्रूव करना है। तो 1992 10 दिसंबर तक प्रावधान क्या था कि पिता जो है वो भारतीय होने चाहिए। 1992 10 दिसंबर तक क्या प्रावधान था? कहते ये तो गलत बातें हैं यार, ऐसे पिता भारतीय होने चाहिए, माता नहीं हो सकती, माता भी तो बराबर हैं, पिता माता बराबर हैं, ये कैसा हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला कानून रखा हुआ है कि ओनली फादर, मदर भारतीय है तो बराबर संतान जन्म दिया है दोनों ने। तो फिर 1992 दिसंबर में जो अमेंडमेंट बदलाव किया गया उसमें ये डाला गया है इधर माता पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय होगा तो ये बच्चा भारतीय गिना जाएगा, माता पिता कोई एक में से भी भारतीय होगा ये बच्चा भारतीय गिना जाएगा, ये भारत की भूमि के बाहर जन्म ले रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, 2004 में फिर इसमें भी परिवर्तन हुआ, अब ये भारत की बाहर की भूमियों में जन्म ले रहा है, और वहाँ पर जन्म ले रहा है 3 साल हो गए, इसके कोई अता पता खैर खबर ही नहीं दी किसी अथॉरिटी को, जन्म ले के कहीं बड़ा भी हो गया और एकदम से फिर इसने कहा मुझे सिटीजनशिप चाहिए, सरकार कह रही बेटा 5 साल का होकर के आ गया, इतना बड़ा होकर कभी बताया क्यों नहीं तूने हमको, जो सिटीजनशिप लेगा हमारी कंट्री में आएगा, स्कूल कॉलेज बाकी सारे सिस्टम को यूटिलाइज करेगा, हमने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया तेरे लिए। वो कहेगा नहीं अब तो मुझे दे दो प्लीज़, कहे ऐसे नहीं। तो रूल बदला 2004 में, नियम बनाया कि जन्म कहीं भी हो रहा है, जन्म होने की अगर 1 साल के अंदर अंदर, अगर 1 साल के अंदर अंदर खबर दे दोगे वहाँ पर, वहाँ के कॉन्सुलेट के पास रजिस्टर कर दोगे कि हमारा बच्चा जन्म ले गया है ये देखिए, तो फिर नागरिकता वाला प्रोविजन उसका स्टार्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। इस समय को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर मान लीजिए साल का समय निकल गया है यह बढ़ सकता है केंद्र सरकार की स्पेशल परमिशन के साथ, फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो टाइम 1 ईयर का दिया गया, 1 ईयर के अंदर अंदर वहाँ रजिस्टर करा दीजिए, नोटिफाई करा दीजिए बच्चा हुआ है। समय बढ़ गया मान लीजिए एक्सपायर हो गया, फिर आप केंद्र सरकार की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, माता
या पिता जिसके भी आधार पर वो नागरिकता मान रहा है, इधर पेरेंट हो सकते हैं ना, जिसके भी आधार पर नागरिकता मान रहा है, उनको रिटर्न में कस्टडी देनी पड़ेगी कि हमारे पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, मतलब हमारे पास किसी और कंट्री की नागरिकता नहीं है। बच्चा जन्म ले गया, 2004 का प्रावधान ये बताता है कि बच्चे का पंजीकरण कराइए साल के अंदर अंदर, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराइए साल के अंदर अंदर। रजिस्ट्रेशन कराने जब जा रहे हैं तो पता लगाएं कि बच्चा डिसेंट किससे शो कर रहा है, मदर से कि फादर से। मदर से डिसेंट शो कर रहा है तो मदर रिटर्न कस्टडी वहां पर प्रेजेंट करें कि मेरे पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, तभी तो प्रमाणित होगा कि आप भारतीय हैं, तो इसी के आधार पर बच्चा नागरिकता मांग रहा है। और अगर फादर के बेस पे मांग रहा है तो फिर फादर प्रेजेंट करें कि मेरे पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है, इसके बेसिस पर ये काम बन जाएगा। तो ये डिसेंट के बेसिस पर होता है। पहले केवल पिता अलाउ थे, 1992 में माता भी अलाउ कर दी, इधर कर दिए, फिर उसके बाद ये परमिशन, उसके बाद ये चीज़ कर दी 2004 में कि साल के भीतर भीतर पंजीकरण कराओ और कस्टडी दो रिटर्न में कि हमारे पास जो भी अप्लाई करा रहा है डिसेंट के माध्यम से, माता या पिता, हमारे पास किसी और कंट्री की नागरिकता का पासपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। डन हो गई बात। किसी कंट्री पासपोर्ट तभी मिलता है ना, नागरिकता हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों मुंह से अक्सर सुना होगा हमारे पास कंगारू पासपोर्ट है। सुना आपने कभी ऐसा वर्ड कि कौन सा पासपोर्ट है कंगारू, ऐसा बोलते हैं, कंगारू मिल गया तुझे, वो कहते अभी नहीं मिला, रह गए मेरे 6 महीने, तो ये हो जाता है, तो पासपोर्ट उनका चला जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी ही फैमिली है वहाँ पे, उनको वो वाला पासपोर्ट मिला हुआ, तो कंगारू बना रहता है। जैसे आपके यहाँ पर अशोक चिन्ह बना रहता है, उनके वहाँ पर कंगारू बना रहता है, इसलिए उसको कंगारू पासपोर्ट कह देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। क्लियर हो गया अपन को? क्या बाय बर्थ ही सिर्फ नागरिकता मिल सकती है कि यहाँ जन्म लो तब होगा? क्या सिर्फ इसलिए मिल सकता है कि ब्लड के टाइज हों आपके तभी मिलेगा, कि जन्म कहीं भी लो टाइज होने चाहिए? नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन भी मिलती है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसमें हमें बाय रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ता है। जैसे अब ध्यान से सोचें, हम जितने पंजाब में तो यार हर दो कदम पर एक आयल्स सेंटर मिलेगा। आयल्स की बात कर रहा हूँ, जिसे आयल्स भी कह दिया जाता है, जिसे IELTS कहते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम या टेस्ट स्कोर का पेपर देकर के आप उस देश में जाते हैं। कारण क्या आपका कोई बर्थ था वहाँ पर? नहीं, तो बाय बर्थ भी नहीं। क्या आपका कोई टाइज थे वहाँ पे? नहीं, बाय डिसेंट भी नहीं। तो आप वहाँ पर जाकर के कौन सी नागरिकताएं लेते हैं? या तो बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन। बहुत से लड़के या लड़कियाँ यहाँ से शादी करके चले जाते हैं, उनसे जो बाहर पक्के होते हैं यही पूछते हैं, बाहर पक्के हो भाई, बाहर हो NRI हो, या सॉरी हाँ NRI भी हो या बाहर के ही नागरिक हो, या जैसे भी हो चले जाते हैं। तो कुछ प्रावधान हमें और भी रखने पड़ते हैं जो बाय सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन होते हैं। ओके, कंपनियां आपको काम के लिए बुलाती हैं लंबे समय के लिए, कंपनीज आपको वीज़ाज ऑफर करती हैं, सो मेनी थिंग्स। अगर हम बर्थ और सिर्फ डिसेंट के बेसिस पे नागरिकताएं देने लगे तो बहुत सी प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर बाधित हो जाएं, बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस, बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स वहाँ पर ही कोलैप्स कर जाएंगे। इसलिए सिटीजनशिप के कंसेप्ट को बढ़ाना पड़ता है, दायरा बढ़ाया जाता है, जिसमें से एक कंसेप्ट है रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के वाया सिटीजन हो रहे हैं, इसका अगला कंसेप्ट नेचुरलाइजेशन है, उससे इसको कन्फ्यूज ना करिएगा। उसमें नेचुरलाइजेशन है, उसमें प्राकृतिककरण हो रहा है, आपका प्राकृतिककरण हो रहा है, समझ आ रही बात? मतलब नेचुरलाइज हो रहे हैं आप, भारतीय प्रकृति में बदल ढल गया, तो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से आपको वो नागरिकता मिलती है। लेकिन इसमें आपका प्राकृतिककरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन के वाया हो रहे हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी इटली की थी, यहाँ राजीव गांधी से विवाह हुआ, तो आज तो नागरिक ही है ना भाई, हैं ना यार, वोट डालती हैं, तो किस प्रक्रिया के वाया हुई होंगी? बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय बर्थ और बाय डिसेंट वाला ही रूल रखते तो वो तो कभी होती ना। ऐसी बहुत से हैं, आपके सर्कल में भी होंगे, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, वो बाय रजिस्ट्रेशन ही होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रोविजन हैं, ऐसा नहीं है इसमें, देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए, इसमें और नहीं है कल के आर्टिकल्स की तरह, ये सारे इंडिविजुअल प्रोविजन है, ABCDEFG तक। इनमें से किसी में भी फॉल कर रहे हो तो बाय रजिस्ट्रेशन आ जाओगे, इनमें से किसी में भी फॉल कर रहे हो तो बाय रजिस्ट्रेशन आ जाओगे, कवर हो जाओगे, नथिंग टू वरी। बोलो ना यार, बोला करो, पूरी किया करो लाइन, तभी पता लगेगा कि ओ क्लास में। तो चलिए रजिस्टर करा दें आपको नागरिक के तौर पर, तो पंजीकृत नागरिक हैं ये, प्राकृतिक नहीं। अब आप कहेंगे सर प्राकृतिक नागरिक पंजीकृत नहीं होता, वो भी होता है, वो प्राकृतिक हो चुका है कैसे बताएगा, घर पे ही बैठा हुआ है, 16 साल बीत गया, प्राकृति हुई है उसकी, लेकिन कभी जाके पंजीकृत नहीं करा रहा, तो ऐसे सरकारी आदमी तो नहीं आएंगे
कि यहाँ से वेव्स आने लगी हैं, कोई भारतीय हो गया है, वो उसको पंजीकृत तो खुद को उसको भी कराना पड़ेगा, रजिस्टर तो कराना पड़ेगा बेटा। वो बात ये है कि ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चल जाता है, वो नेचुरलाइज दिखना चाहिए। इसके ऊपर ऑब्लीगेशन कम है उसके कंपैरेटिवली, वो नेचुरलाइज वाले पे ऑब्लीगेशन ज़्यादा है। उसे 8th शेड्यूल की कोई एक भाषा आनी चाहिए, इसके पास ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसको कोई ऐसी शर्त नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी अभी दिन तक वो रोमन लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा बोलती है ना, हम देश को बचा देंगे, तो ऐसा ही है ना। ऐसा तो उनके ऊपर कोई ऑब्लीगेशन तो नहीं लगाई कि कोई एक भाषा आप सीखिए, वो सीखती हैं, ये उनका अपना कौशल है, लेकिन उन पर कोई बाध्यता नहीं है। समझिए बात को, इसको समझिए फिर है। सिटीजन बाय रजिस्टर आपके काम आएगा अगर किसी को आपको बुला के बनाना हो, है ना। तो ये कमेंट लाइक से क्या होता है, आगे बढ़ाया बात तो आप फिर मुझसे आगे पूछेंगे सर कोई प्रोविजन बताइए, तो मैं पहले ही पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। इसमें आएंगे ना, इसमें आया ना रजिस्ट्रेशन वाले में, तो क्या है पहला क्लॉज, बुक में ही लिखा है, मैंने पहले ही बताया था, अगर बुक प्रेजुडिस है तो मैं क्या करूँ, है ना। आप इसको शी ही मान के चलिए, ओके, एवरी शी इज ही, एवरी ही इज शी अकॉर्डिंग टू मी। इसको सोचना कि ये मैंने क्यों कहा, वो आज एक समय में समझ आ जाएगा। चलिए, सो बाय रजिस्ट्रेशन इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द वर्ड, आगे क्लियर, एनी और तो मैंने कहा ही नहीं, एनी किसी में से कोई भी अ पर्सन, ध्यान से समझो, आगे जा करके जब मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कराऊंगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया POI एंड OCI, जैसे जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, मान लीजिए मेरे भतीजा, मेरे भाई, मेरे भाभी जी कोई भी इंडिया आते हैं ना, उनके पास एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है और उनके पास एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का भी पासपोर्ट जैसा कार्ड है, कॉपी पासपोर्ट जैसी दिखती है, वो बस मेरे साथ जब भी वापस आते हैं यहाँ पे, वो एयरपोर्ट पे वही दिखाते हुए आते हैं, वो लाइफ टाइम वीज़ा है उनका, लाइफ टाइम वीज़ा, OCI कार्ड का मतलब लाइफ टाइम वीज़ा, वो ओवरसीज सिटीजन हैं, ठीक है, लेकिन है वो इंडिया के ही, ओके, ध्यान से समझिए इस बात को। इंडिया ने कभी ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं की, लेकिन फिर भी बहुत सा इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड रहता है, जैसे अमेरिका के क्षेत्र में रहने वाले USA के भारतीयों ने भारत सरकार पर दबाव बनाया था कि यार ये क्या सिस्टम है, आप क्यों नहीं हमें फ्रीली हमारी कंट्री में आने जाने देते, हम ठीक है हमने अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो फिर देखिए ड्यूअल सिटीजनशिप तो हम फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर हमने क्या किया, उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया, ध्यान से समझिए, वो ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, हमारे पास एक ही कैटेगरी है देश में सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन उसके आगे हमने एक वर्ड लगा दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या वो ड्यूअल सिटीजनशिप है, नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप, उनको यहाँ पर किसी तरह का भी कोई पॉलिटिकल राइट मिला हुआ नहीं है, याद रखिएगा, दे हैव नो पॉलिटिकल राइट, दे कैन नॉट वोट, दे कैन नॉट परचेज एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन लैंड, नॉट एट ऑल, वो NRI कंसिडर होते हैं, सोशल इकोनॉमिक फाइनेंशियल राइट्स उनको मिले हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट नहीं है, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन लैंड वो नहीं एक्वायर कर सकते, लेकिन हम उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया मान रहे ओवरसीज, उसका कारण ये है कि वो भारतीय नागरिक कभी रहे हैं तो वो अपने देश कभी भी आ जा सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, इसके लिए उन्हें कार्ड दे दिया, होल लाइफ मल्टीपल वीज़ा, मल्टीपल एंट्री पास कार्ड, ओवरसीज सिटीजन। तो इसमें अब दो लोगों की बात हो गई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके पास कभी इंडियन पासपोर्ट था, या वो खुद भारत में जन्मा, या उसके माता पिता में से कोई जन्मा, या उसके दादा दादी में से कोई जन्मा, या उसके परदादा परदादी में से कोई जन्मा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वो जस्टिफाई होनी चाहिए चीज़। अगर वो हो जाती है जस्टिफाई, तो फिर आज वो कहीं भी बस रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहीं भी बस रहा है, बस उसके पास कभी अफगानिस्तान की, नेपाल की, भूटान की, चाइना की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, इस इन द एंटायर लाइफ टाइम उसके पास कभी भी इनकी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, और या वो इन मुल्कों में से किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए, कहीं इन मुल्कों में से किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए, तो हम उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट तक या कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद सिटीजन कभी ना कभी कंसिडर हुआ था, सिटीजन कभी ना कभी वो कंसिडर हुआ है, इन इट्स एंटायर लाइफ टाइम वो कभी तो सिटीजन रहा है भारत का, उसके लिए फिर ये प्रावधान रखे गए हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बस शर्त यह है कि उसके पास कभी भी लाइफ में
किसी भी पाकिस्तान की बांग्लादेश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए तो वो कंसिडर हो जाएगा, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आज की डेट में पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए तो ओवरसीज सिटीजन का कार्ड मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये आगे जाके डिफरेंस में तो पढ़ाने ही वाला हूँ, अभी मैंने समझा दिया, अब हम उसको समझ लेंगे। ओवरसीज अगर आपको दोनों को पूछना, सर मुझे बताओ किसका हाथ ऊपर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हाथ ऊपर है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का हाथ ऊपर है? हैं, अच्छा पर्सन ऑफ इन, वो सिर्फ एक उसको पर्सन वर्ड से यूज़ कर रहे हैं। तुम लोग को यार इतने लेक्चर 68 किस लिए पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तीन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, पर्सन, एलियन, माइनॉरिटीज, इस तरह, तो फिर कन्फ्यूजन करते हो। यार वो पर्सन है कभी इंडियन ओरिजन का, कोई उसका ओरिजन इंडिया से है बस, पर्सन वो या उसके दादा दादी, उसके माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी यहाँ जन्मे होने चाहिए, या उसके पास कभी पासपोर्ट इंडिया का रहा था 1935 के एक्ट के तहत, लेकिन ये तो नागरिक रहा है यार इंडिया का, या तो कमेंसमेंट तक या कमेंसमेंट के बाद वाले नियमों के तहत ये नागरिक रहा है इंडिया का। ही और शी वॉज रियली सिटीजन ऑफ इंडिया, आज कहीं और हैं वो, किसी और देश की सिटीजनशिप है उनके पास, लेकिन वो तो सिटीजन रहे हैं इंडिया के ना, तो और इसलिए उसको आज भी नवाजा जा रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया कह के, बस बात इतनी सी होगी कि वो ओवरसीज में है। तो नेचुरली कभी भी लाइफ में सिटीजन वर्ड पर्सन से तो ऑलवेज बड़ा सुपीरियर होगा यार। कई बार हम जब कंपैरेटिव एनालिसिस में इसी गच्चे में फंस जाते हैं ना कि कौन ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा सही गलत नहीं, कौन ज़्यादा सही, किसको ज़्यादा इजी नॉर्म्स होंगे, किसके सिटी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ऑलवेज इजी होंगे, उसको फैसिलिटीज़ ऑलवेज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से ज़्यादा ही मिलेंगी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगी, उसको फैसिलिटीज़ OCI कार्ड होल्डर से कम ही मिलेंगी, ठीक है। सो POI कार्ड होल्डर को OCI कार्ड होल्डर से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल फॉलो करने पड़ते हैं, कम फैसिलिटी मिलती है, ये बात ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ओके चलें अब समझें इसको। तो देखिए समझ नहीं रहे ना, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अनडिवाइडेड इंडिया से ही भी काउंट हो जा रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत, लेकिन सिटीजन ओवरसीज सिटीजन तो कभी सिटीजन रहा है, उसने तो वो सारी प्रमाणिकताएं किसी ज़माने में दे दी हैं, अनडिवाइडेड इंडिया से वो था, वो माइग्रेट हुआ पाकिस्तान से इंडिया, या वो इंडिया से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से इंडिया आया, या उसको आर्टिकल, मतलब उसको कभी ना कभी आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 या आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8 के तहत कभी ना कभी नागरिकता मिली थी, या उसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कभी ना कभी नागरिकता मिली थी, उसके पास अर्लियर पीरियड में हमारी सिटीजनशिप थी, तो वो पर्सन वाले स्टेटस से तो कब का आगे आ गया, कब का, अब वो बन गया किसी और मुल्क का नागरिक, तो क्या करें अब उसको हम ओवरसीज सिटीजन। लेकिन ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ये इस बात को असौर नहीं कर रहा कि इसके पास नागरिकता थी, लेकिन इंडियन ओरिजिन का था यार, अनडिवाइडेड इंडिया के समय में हो सकता है इसका जन्म कहीं और हुआ हो, उसके बाद इसने कभी नागरिकता के लिए अप्लाई ही ना किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूशन में आ गया, बाद में एक्ट भी आ गया, लेकिन अब उसका ओरिजिन उसको एकदम से हुआ है मेरा ओरिजिन इंडिया में, अच्छा दादा दादी वहीं से थे, परदादा दादी वहीं से थे, एकदम से पोता आ गया, पोत्री आ गई उठ के कि मुझे पता लगा है, मैंने डायरी पढ़ी परदादी की कि वो तो इंडिया के थे, हाँ बेटे वो इंडिया ही थे, हम कभी गए नहीं, मुझे जाना है लेकिन उनके लैंड पे, आई वॉन्ट टू गो, तो फिर वो कह रहे हैं अच्छा जाना ही है, कहते हैं हाँ, कहते फिर पता कर लेते हैं, तो वो कॉन्सुलेट ऑफिस गए तो वहाँ पता लगा कि ओके हम इसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन काउंट कर लेते हैं, क्योंकि आप ये प्रूव कर दीजिए कि इनकी दादी जी जो है, इनका परदादी जी का इनका जन्म जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इनको प्रमाणित कर दीजिए, तो वो कहेंगे हाँ हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स तो हैं, कुछ एविडेंस हम दे देते हैं, फिर उसको अपन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन काउंट कर लेंगे और फिर वो आ जा सके। लेकिन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है उसके पास तो सिटीजनशिप थी, वो पर्सन नहीं था इंडियन ओरिजिन का, सिटीजनशिप कभी ओरिजिन रहा होगा फिर उसने ले ली सिटीजनशिप, क्लियर हो गया कहानी, इतनी बात डन। अब समझो रजिस्ट्रेशन के वाया क्या क्या हो सकता है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आ गया ना POI, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके रजिस्ट्रेशन किसकी, सिटीजनशिप की, वो सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, और अगर वो POI है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल से रह रहा होना चाहिए, ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना चाहिए अपनी कंट्री का, ध्यान से पढ़िए इस वर्ड को,
लेकिन यही कंडीशन अगर आपसे मैं पूछूं ओसीआई कार्ड होल्डर पे कितनी है, ओसीआई कार्ड होल्डर पे कितनी कंडीशन है, ये 5 साल। पीओआई वाले पे कितनी है, 7 साल। ओसीआई वाले पे कितनी है, 5 ईयर। सो सिंपल। ओके, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन यही कंसेप्ट नेचुरलाइजेशन वालों पे बहुत ज़्यादा है। वो तो मैंने बताया कहाँ पे जा रहा है, वो 12-13 साल पे बाद बैठ रही है। ये POI था तो इसको इतने सालों का रिलैक्सेशन मिल गया। POI अब आप कहते सर 7 साल तो इसको भी लग गए, फिर फ़ायदा ही क्या है इसमें और बाकी लोगों में। POI था इसलिए 7 साल में हो गया। अगर POI ना होता तो फिर इसको यही कहानी जा करके 13 साल पर भी बैठनी थी। फिर क्या करना था आपने, है ना? 6 साल कम लग रहे कि नहीं लग रहे इसके? और क्या चाहिए आप लोगों को, फिर कुछ और भी चाहिए? 5-6 साल कम लग रहे हैं, और क्या चाहिए इसकी, इसको और क्या देना है अपन को? अगला क्या है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर से POI है, हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ये सेकेंड क्लॉज। अब आप कहेंगे सर ये क्या है कहानी, मतलब ये क्या बता रहे हैं मुझे, कैसे ले सकता है ये भारत की नागरिकता? ऐसा ही फील हुआ ना अभी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर रहा है और वो पिछले 7 साल से भारत में रह रहा है, ये तो बात प्रमाणित हो गई और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है। उसने प्रमाणित कर दिया होगा कि मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हूँ। आई बात समझ में? अगला क्लॉज कह रहा है कि अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, क्योंकि ये जो क्लॉज बना है, ये जो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का क्लॉज बना है, आप लोग तो 2020 में जी रहे हो, आप लोग तो इसको बेटा आज पढ़ रहे हो, ये प्रभावी तो 26 जनवरी 1950 से ही हो रखा है ना। आप लोगों को तो आज फील हो रहा होगा कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं। लॉ तो बेटा बहुत पुराना, ये तो आपके जन्म के साथ तो नहीं जन्मा होगा। तब का ज़रा इमेजिन कर लो, तब का, तब से ज़रा इमेजिन करो। आई बात समझ में? तो तब से अगर इमेजिन करते हैं तो मान लीजिए, ज़रा दिमाग लगा करके सोचिए, ज़रा थोड़ा ख्याल भी करना चाहिए हमें कुछ चीज़ों का ना, हमें ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन 1957 में अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, तो उसको तो 7 साल हो गए हैं रहते हुए, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है वो इंडिया का और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, तो उसको तो 7 ईयर हो गए, तो उसने 7 ईयर वाला क्लॉज पूरा किया, उसको दे दिया। आई बात समझ में? लेकिन मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के कंसेप्ट के साथ, अनडिवाइडेड इंडिया वाले कंसेप्ट के साथ आ जाता है मार्च 1950 में ही, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया है और वो मार्च 1950 में आ गया है, उसको किस तरह से डील करेंगे अपन? उसने दे दिया ना प्रमाण कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट था अनडिवाइडेड इंडिया का, समझ रही? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया, बट वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, लेकिन वो उसी समय में आ गया। सपोज करो 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फरवरी मार्च 1950 में आ रहा है या 1951 में आ रहा है, 52 में आ रहा है, कभी भी आ रहा है। तो अब आपके दिमाग में यही आ रहा है ना कि इसके ऊपर 7 साल वाला क्लॉज क्यों नहीं है? तो एक पर्सन जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इंडिया का, मान लीजिए 7 ईयर हो गए उसको, 1957 का समय चल रहा है सपोज कीजिए, तो उसको वो वाला क्लॉज कवर हो रहा है। लेकिन उसके पहले जो जो केसेस आ रहे हैं, और अगर वो प्रमाणित कर रहे हैं कि हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं लेकिन हम अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर ऑर्डिनरली रेजिडेंट थे, लेकिन वो आए एकदम से, सपोज करो कि वो लोग उस ज़माने में, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो उस ज़माने में रशिया में हो, ठीक है, और 26 जनवरी 1951 सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे सारा परिवार बैठा है रशिया में, और एकदम से बात चल गई कि हम लोग सब हिंदी क्यों बोलते हैं, तो किसी ने बोला कि वी आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हमारा ओरिजिन इंडियन है, ऐसी बात तो कोई भी बोल सकता है ना। कहते ओके, फिर बच्चा आया जिद कर, मैं इंडिया में रहूँगा, मुझे, मैंने पढ़ा दादी जी किताब में गंगा की कहानियाँ लिखी उन्होंने वहाँ पे, मुझे गंगा के किनारे जाना है, और वो सारा परिवार कह रहा है कि